तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं वजन बढ़ाना तो यहां पर आपको पड़ेगा दिखावे से बाहर आना। जी हां दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखिएगा, अभी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप लोगों का गोल है ज्यादा से ज्यादा वेट गेन करना, बहुत ज्यादा वीक है, तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूं, भैया ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि भैया अगर चाहते हैं वेट बढ़ाना तो दिखावे से बाहर आना, ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों का गोल हुआ भैया एक अच्छी फिजिक बनाना, एक मस्कुलर बॉडी बनाना, बड़ी फिजिक बनाना। जैसे यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी, चाहते होंगे आप में बहुत सारे लोग चाहते होंगे भैया ऐसी बॉडी बन जाए। नहीं हो तो चाहते होंगे भाई वेट ही बढ़ जाए, चलो कुछ ना हो तो भाई हाथ थोड़े तगड़े तगड़े हो जाए, हाथ मोटे मोटे हो जाए, साइड बड़ा बड़ा दिखे, चेस्ट बढ़ जाए थोड़ी सी, गाल थोड़े अच्छे अच्छे खासे भर जाए, मैं हेल्दी दिखूं। लेकिन यहां पर इसके पीछे आपको चीज बताऊं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग भागते हैं दिखावे के पीछे, आप लोग भागते हैं फैंसी चीजों के पीछे। यहां पर आप लोग भागते हैं कि भाई उसने डिब्बा ले लिया, उसने ये कर दिया, वो ले लिया, तो मैं भी लू बन जाएगा। हाँ आपने देखा होगा, मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं अपने चैनल पे, मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट को लें, सप्लीमेंट ही सारा काम नहीं करेगा, आप सपोर्ट के लिए लें। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर पहली गलती आपकी होगी। अब यहां पर दूसरी चक्कर यहां पर यह आता है कि भैया प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि यहां पर आप लोग एज्यूम नहीं कर पाते कि भैया ये एक बहुत बड़ी चीज है। गोल डिसाइड करिए अपना कि भैया आपको मसल बिल्ड करना है, आपको साइज गेन करना है, आपको हेल्दी होना है, आपको मोटे होना है, आपको तगड़े होना है, सब चीजों में फर्क है और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करके सामने वाले जिम पर्सन को या फिर सप्लीमेंट वाले के जिसके साथ जा रहे हैं उसको आपने नहीं बताया कि भाई आपको क्या करना है, तो भैया आप अपने ऊपर ही मुसीबत मोल ले रहे हैं, क्योंकि आपको क्लियर नहीं पता कि भाई आपको खुद क्या करना है। आपने बोला भाई मेरे को शरीर थोड़ा तगड़ा करना है, सप्लीमेंट वाले के पास गए, उसने आपको गेनर पकड़ा दिया या स्टीरॉइड दे दिया, कुछ दे दिया, ऐसा गेनर पकड़ा दिया कि आपकी बॉडी में मास बढ़ जाए, फिर बाद में आपको साइड इफेक्ट होगा। अगर आप भाई मेरे को थोड़ा हेल्दी होना है, बस थोड़ा सा वजन वजन बढ़ा रहा है 5-6 किलो, तो ये होना है, तो उस हिसाब से आपको पकड़ाएगा। लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट की बात यहाँ खत्म होती है, यहाँ पे बात आती है भैया रियल फूड की। क्या आप लोग इतने कैपेबल हैं कि आप लोग इतना पैसा खर्च करके अपने शरीर को मोटा तगड़ा कर सकते हैं? अगर हाँ तो ही इस चीज में आप आगे पैर रखें, अदरवाइज मैं आपको बताऊं, आपने मेरे चैनल पर रिव्यू वीडियोस देखे होंगे, काफी सारे सप्लीमेंट मेरे पास आते रहते हैं, मैं रिव्यू करता रहता हूँ, आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, मैंने इतने सप्लीमेंट खाए, मेरे शरीर में फर्क दिखा नहीं दिखा, सामने आपके है, आपके सामने ही मौजूद है शरीर, कोई ऐसा फर्क नहीं दिखा, कोई इतनी शरीर नहीं निकली। आप चैनल पर जाकर के रिव्यू देखें, पहले जो आपके मेरी शरीर दिखेगी हेल्दी, उस समय में डाइट भी हैवी लेता था। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, तब मेरा वेट था 88-90 kg, अभी मेरा वेट फ्लक्चुएट करता है 78-80 kg के बीच फ्लक्चुएट करता है, सॉरी नंबर का फर्क हो गया। तो अभी यहाँ पे मान के चलिए 10-12 kg का फर्क आ गया, तो यहाँ पे वो मायने रखता है, तो शरीर से वैसी नहीं दिख रही। कहने का मतलब मेरा यह है कि भाई आप अपना गोल क्लियर लेकर के चले, अदरवाइज आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे। आप लोग कहेंगे भैया मैंने ये 3 डब्बे गेनर खा लिए फर्क नहीं दिख रहा, भैया आपको सबसे पहले अपनी हाइट एज वेट के हिसाब से कैलोरी इनटेक लेना होगा, और उससे पहले आपको अपनी डेली कैलोरी ट्रैक करनी पड़ेगी। वो स्मार्ट वॉच ले चाहे फोन में चेक करें, अगर आप स्मार्ट वर्क से चल रहे हैं तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क से चलने का मतलब यह कि भाई आपने पहले अपनी डेली कैलोरी ट्रैक करी कि आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है, घड़ी पहन करके चाहे फोन में ट्रैक करके, फोन जेब में रखें, भाई आपने डेली ऐसा कौन सा काम करें, डेली कितनी आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, 1500, 2000, 1800 कितनी कैलोरी आपकी बर्न हो रही है। अब जो 1500-1800 कैलोरी बर्न हो रही है उसके ऊपर आपने 2000-2500 कैलोरी फालतू लेनी होती है अपने हाइट एज वेट के अकॉर्डिंग, जितना आपको वेट गेन करना है, तो इस हिसाब से आपकी कैलोरी ट्रैक होगी। ये नहीं हो कि भैया आपने ऐसे मोटा मोटा डाला तोला जो करा हो गया, तो यहाँ पे एक आपको एजम्पशन लेके चलना होगा कि भैया अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो प्रॉपर आपको कैलोरी अपनी ट्रैक करनी होगी, फिर उसके ऊपर 2000-2500 कैलोरी आपको ऑनलाइन डाल के कैलकुलेट करके आप रख सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप कैपेबल हैं तभी इस चीज में आप पैर रखें, अदरवाइज आप इस चीज के लिए तैयार है कि भैया जब तक आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप वेट गेन नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए। बहुत सारे लोगों के उन्हें डाउट होता है कि भैया वेट गेन में हम ऐसी कौन सी मिस्टेक करें जो हमारा शरीर नहीं बढ़ रहा, हम मोटे नहीं हो पा रहे, हमारा साइज नहीं बढ़ पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। दोस्तों मैं आपको सच बताता हूँ, वहां जहां मैं काम करता हूँ जिम में, जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैं जिम ट्रेनर हूँ, वहां तरह तरह के लोग मिलते हैं, भयानक से भयानक शरीर लोगों की बनी होती है, अच्छी खासी शरीर बनी होती है, देख करके लगता है कि भाई हाँ क्या खर्चा करता है शरीर पे। जितने लोगों की महीने की तनख्वाह होती है उससे दुगना तिगुना तो अपने शरीर पे लगा रहता है महीने का, 50,000, 60,000, 65,000 रुपए लोग अपने शरीर पे लगा करके घूम रहे होते हैं महीने भर की उनकी डाइट होती है, सप्लीमेंट होते हैं, इतना लगाते हैं वो। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोचते हैं भाई 500-600-700 रुपए में हो जाए कुछ काम। हाँ 500-600-700 रुपए में होता होगा, लेकिन भैया छोटे लोगों की हाइट पे होता है वो लोग, अगर आप लोगों की हाइट 5'5" 6 इंच के हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर कौन सी कोई टैबलेट, कौन सा आपकी 3-4 रोटी काम करेगी।
कुछ नहीं करेगी। 15,000, 20,000, 22,000, 25,000 रुपए की डाइट अगर आप लोग मसल बना रहे हैं, बॉडी अच्छी बनाए, तो वहां पे लगेगा। अदरवाइज आप सिंपल वेट गेन भी कर रहे हैं ना, तो भी 7,000-8,000 रुपए, 9,000 की डाइट कहीं नहीं गई। डेली की आप लोग 10-12 रोटी खाएंगे, उसके साथ आपने चावल खाया भर भर के, 2-3 बाउल आपने चावल खाया, घर पे दाल रोटी सब्जी बनी, पीनट बटर खाया आपने, बनाना खाए, मैंगो खाए, एप्पल खाए आपने, किशमिश खाए, काजू खाए, बादाम खाए, ये मिनिमम चीजें हैं। और थोड़ा अगर आपने मास्क ले लिया 500-600 का, उसका भी तो बजट है, तो मिनिमम एक पर्सन का खाना जो होता है नॉर्मल एवरेज पर्सन का 3,500 का होता है। तो आपने अगर इन सब चीजों को ऐड करा तो आपका 7,000-8,000 रुपए आराम से चला जाएगा। तो भैया अवेयर रहे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ गलतियां आप लोगों की होती है जिनकी वजह से आप लोग वेट गेन नहीं कर पाते। आपको लगता है कि भाई मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, तो एक्चुअल गलती ये है। आप अपने आप को सबसे पहली बात तो दिखावे में रखते हैं कि भाई आपको लगता है कि भाई मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। हां कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। आप उस चीज के लिए वर्क कर सकते हैं, उस बढ़िया शरीर के लिए आप अभी सोच सकते हैं कि हाँ भाई मैं बजट बनाता हूँ, अपने आप को पहले सेटल करता हूँ, अच्छे पैसे इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं एक अच्छी शरीर बनाऊंगा, पहले अच्छी शरीर बनाऊंगा फिर उसके बाद वर्क करूंगा। ऐसा नहीं होगा भैया, ये भूल जाइए आप। आपके बाई चांस लग आपका साथ दे दे, आप लोगों को कोई सपोर्टर हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों का अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो आप खा पी लेंगे, ठीक है। अदरवाइज भैया ये सोचे कि भाई पहले शरीर बनाऊंगा फिर अर्निंग करूंगा, भूल करके भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले अपनी अर्निंग स्ट्रांग करनी होगी, फिर आपकी बॉडी बनेगी, फिर आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं बड़े आराम से अचीव कर पाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर जहाँ आपके पैसे आएंगे वहां आप अपनी मेहनत कर रहे होंगे, 100%, 200% आप मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन वहां पे पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप डाइट नहीं खा पाएंगे आपकी शरीर नहीं बनेगी। क्योंकि अदरवाइज आप देख सकते हैं एक मजदूर दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, उसकी शरीर तो हमसे तगड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर हमसे दुगना स्टैमिना है, उसके अंदर दुगनी ताकत है, तिगुना स्टैमिना होगा, लेकिन शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो बजट से मार खा जाता है, अपनी डाइट से मार खा जाता है, क्योंकि उसको खाने का समय नहीं मिल पाता, उसके जो कट्स होते हैं ना हम लोगों से दुगना तिगुना होते हैं, इतनी बढ़िया बॉडी होती है, लेकिन क्यों उसकी बॉडी अच्छी नहीं लगती? क्योंकि उसके पास साइज नहीं है। साइज बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, और फूड के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हाई प्रोटीन फूड्स में कितना पैसा लगता है? अनगिनत। आपको भी नहीं पता ना मेरे को पता है आपकी हाइट एज वेट के अकॉर्डिंग उसमें पैसा लगता है, ठीक है। तो मैंने आपको फिर भी मिनिमम बता दिया 6,000-8,000 रुपए लगता है, लगता है, फिर वो बढ़ता रहता है धीमे धीमे करके, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको छोटी सी अवेयरनेस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस तरह की गलती करते हैं तो कृपया करके बंद करें और अवेयर हो जाएं कि भैया आपको पहले अपनी अर्निंग बढ़ानी है, ना कि पहले अपनी बॉडी बनानी है, और आपको दिखावे में नहीं जीना है कि भैया जितना आपके पास बजट है उतना लगाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हिसाब से अपना वर्क स्पेंड करें, अपनी लाइफ स्पेंड करें, उस हिसाब से आप लोग जब तक उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलते तो वहां पर उस हिसाब से आपको अपने आपको मेंटेन करना रखना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।